हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे भी मैं बाहर घूमता रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है बाहर घूमना। तो मेरे माइंड में आया कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँ। सो इसीलिए मैं कुछ सामान ऑर्डर किया था, जैसे कि एफोर्डेबल प्राइस में मोटो ब्लॉगिंग हो सके। तो आइए देखते हैं क्या क्या मंगवाया है मैं। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो मेन होता है हमारा हेलमेट, जो कि मैं मंगवाया था। मेरे पास पहले ही एक हेलमेट है, जो हाफ हेलमेट है, बट ये यूज़ नहीं हो सकता मोटो ब्लॉगिंग में। तो इसलिए मैं मंगवाया था एक स्टाइलिश हेलमेट, जो कि वेगा का है, वेगा स्ट्रॉम। ये ब्लैक कलर में है और बहुत ही स्पोर्टी लुक है, आप देख सकते हैं। सीरीज है जो है चिन माउंट, जो हमारा यहाँ पे लगता है हेलमेट का, ये है। इसमें कुछ पार्ट्स है और ये ग्लोव्स है। ग्लोव्स बेसिकली आप ले सकते हैं और नहीं लेंगे तब भी चलेगा। इसमें अच्छा डिस्काउंट था इसीलिए मैं ले आया। इसका प्राइस अराउंड 1300 रुपीस था, बट इसका डिस्काउंट काट के पड़ रहा था मेरे को 350 समथिंग, तो इसलिए मैं इसको ले आया। सो ये सब एक्सेसरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो मंगवा सकते हैं। सो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इसका फिटिंग कैसा होता है। ग्लोव्स का तो अभी कुछ यूज़ नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में और बाकी इसको अभी इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो पहले हमें इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, ये जो मोबाइल होल्डर है और इसका स्क्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये एक क्लिप है जो यहाँ से खुल जाता है। सो ये है स्ट्रैप, जो हमारा चिन माउंट का स्ट्रैप है, ये लगेगा यहाँ पे। देखिए आप, रबर दिया हुआ है जो अच्छा ग्रिपिंग के लिए। सो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, सो ये स्लिप नहीं करेगा या गिरेगा नहीं। इसको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, ये जो स्ट्रैप दिया हुआ है, ये स्ट्रैप को इसे ताकि यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे लगाना है इसके ऊपर। सो आइए यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्गली लगाना, जैसे कि ये कुछ हिले नहीं। और इसके बाद लगाना है ये, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बाकी ये यहाँ से ऐसे लग जाता है। और उसके बाद लगाना पड़ेगा हमको ये मोबाइल होल्डर, जो कि हमारा मोबाइल के लिए है। तो पहले वो हम लगा लेते हैं, उसके बाद मोबाइल को फिटिंग कर लेंगे वहाँ पे। मोबाइल लगाना पड़ेगा इसमें। बेसिकली मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो इसको लगा लेता हूँ मैं। ये नॉर्मल जो ट्राइपॉड में आता है वैसा वाला भी एक तो आता है, बट मैं वो नहीं ऑर्डर किया, ये एडजस्टेबल वाला ऑर्डर किया, ताकि मेरा मोबाइल जो है मैं अच्छे से फिट कर सकूँ। और जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये इसको फिट करूँगा तो मेरा मोबाइल गिरेगा नहीं। सो आप भी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जो ट्राइपॉड वाला आता है वो अगर यूज़ करेंगे तो कभी मोबाइल गिर भी सकता है। इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में लगाना, क्योंकि जब हम हेलमेट ऐसे करेंगे सो कैमरा भी पूरा सामने रहे, सो दैट हमारा व्यू जो है प्रॉपर मिडिल में आएगा। सो इसका ऑडियो क्लैरिटी के लिए हमको एक माइक लगाना पड़ेगा, बट जिसका बजट कम है तो अभी माइक नहीं लेने से भी चलेगा। मैं जो है बेसिकली ये मेरा ईयरफोन यूज़ करूँगा, सबके पास तो ईयरफोन रहता ही है। तो ये मेरा रेडमी का ईयरफोन है, इसको मैं इसको अभी लगाऊँगा यहाँ पे।
ईयरफोन को बेसिकली आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ जो है हेलमेट का यहाँ ऐसे खुल जाता है, तो इसके अंदर आप ईयरफोन को रख देना है और माइक थोड़ा बाहर रखना है जैसे कि आपका ऑडियो अच्छे से ऑडिबल हो। सो इसको करना है ऐसे होल्ड, तो यहाँ पे लगा लेना है। इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके जितना चाहिए माइक को थोड़ा बाहर रख के बाकी सबको अंदर ऐसे रख लेना है। उसके बाद ये जो है बटन ऐसे लगेगा, देखिए ये अंदर बटन है, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेने का। तो ये जो है हमारा स्ट्रैप, इसको ऐसे इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो माइक को थोड़ा ऐसे बाहर रखिएगा सो दैट आपका वॉइस जो है क्लियर ऑडियोबल हो। सो चलिए इसको लगा के अभी देखते हैं कैसा आ रहा है सब। तो ये देखिए ये चिन माउंट वाला ही व्यू है, ये कैसा आ रहा है ऑडियो क्लैरिटी कैसा आ रहा है क्या नहीं। मैं अभी ग्लास बंद कर रहा हूँ मेरा हेलमेट का, अभी आप देख सकते हैं व्यू कैसा आ रहा है और इसका स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है यहाँ से, अच्छा है। आप वीडियो क्लैरिटी भी देख सकते हैं और वो जो चिन माउंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रिप करके रखा है फ़ोन को। सो आप देखिए व्यू कैसा है। और एक बात है, आप वीडियो जब भी वीडियो बनाते हैं तब आप ज़्यादा मोबाइल को मत देखिए, क्योंकि अगर वीडियो से ड्राइविंग से अगर आपका डिस्ट्रैक्ट होंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। सो इसीलिए आप थोड़ा देख के ड्राइव करिएगा। बाकी ऑडियो क्लैरिटी तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं अभी वही माइक से ही कर रहा हूँ, वो जो मेरा ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वायर वाला वो इसी से ही कर रहा हूँ। आप थोड़ा बताइएगा कमेंट करके कि कैसा है वीडियो बोल के। अभी आप देखिए व्यू पूरा बहुत अच्छा है, पूरा क्लियर आ रहा है वीडियो। एंगल आप उस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए, मेरे हिसाब से ये ठीक है। और आप थोड़ा मोबाइल का भी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से फिट नहीं किए होंगे तो मोबाइल अगर गिर जाएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो आप थोड़ा देखिए केयरफुली रहिएगा और ड्राइव भी सेफली ड्राइव कीजिएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये बेसिकली लाइफ का मेरा पहला वीडियो है मोटो ब्लॉगिंग का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर आप भी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप भी कीजिए, बहुत ही इकोनॉमिकल है, ओनली 599 रुपीज़ है इसका सेटअप पूरा। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो। बाय।